क्लास टेंथ की इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और प्लांट न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे तो बेसिकली न्यूट्रिशन होता क्या है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट करेगा उसको यूटिलाइज करेगा इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए एक्चुअली में हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ एक न्यूट्रिएंट हमें चाहिए जो स्पेसिफिक है हमारी बॉडी ग्रोथ और बॉडी रिपेयर से रिलेटेड तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है अगर मैं न्यूट्रेंट्स की बात करूँ तो न्यूट्रेंट को हम लोग ना दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक है माइक्रो न्यूट्रेंट और एक है माइक्रो न्यूट्रेंट जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं हमारे पास वो ऐसे न्यूट्रेंट हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन जो है हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं अगर मैं माइक्रो न्यूट्रेंट की बात करूँ तो जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो हमें स्मॉलर क्वान्टिटीज़ में चाहिए इसलिए हम उनको माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अगर मैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ तो हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन को एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन प्लांट ब्लू ग्रीन एल्गी जो होंगे वो ऑटोट्रॉप्स में आ जाएंगे हमारे पास इनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूँ तो ये एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है तो जितने भी ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं नेक्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ते हैं अगर मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करेगा ऑन देयर ओन और अगर मैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करूं तो फोटो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके इनऑर्गेनिक मटीरियल को ऑर्गेनिक मटीरियल में कन्वर्ट करते हैं वहीं पर अगर मैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करूँ तो कीमो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज़म हैं जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन की एनर्जी को यूज़ करके इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की अगर मैं प्लांट न्यूट्रिशन की बात करूं तो जो ग्रीन प्लांट हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको इस प्रोसेस को करने के लिए वो सनलाइट है कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर है और जो एजेंसी है जिसके थ्रू वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में वो क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए तो फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में और फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं तो बेसिकली जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो मेन साइट होती हैं फोटोसिंथेसिस का तो जो ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट का उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और जो ये क्लोरोफिल है वो बेसिकली सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो जो लीव्स हैं उनमें जो क्लोरोफिल है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा अगर मैं फोटोसिंथेसिस को फर्दर ब्रेक करूं तो फोटोसिंथेसिस को हम तीन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फिर बाद में जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और वो कैसे होता है जो लाइट एनर्जी है उसको यूज करके वाटर को स्प्लिट किया जाता है इसको फोटोलाइसिस बोलते हैं तो बेसिकली फोटोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन आयन आएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी फिर ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है फोटोलाइसिस में उसको हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाद में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तो ये एक थ्री स्टेप प्रोसेस है और इन तीनों के तीनों स्टेप को याद रखना है अब इनमें से कुछ एक स्टेप हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होते हैं और कुछ एक स्टेप ऐसे हैं जो लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं ऐसे स्टेप जिनके लिए लाइट कंपलसरी है उनको हम लाइट रिएक्शन में कंसिडर करते हैं और ऐसे स्टेप जो लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं उसको हम लोग डार्क रिएक्शन में कंसिडर करते हैं तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली जो सोलर एनर्जी से हम लोग फोटोलाइसिस करते हैं वो कंसीडर होता है बाकी सारी की सारी जो प्रोसेस होती हैं वो डार्क रिएक्शन में कंसीडर होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन भी है अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि प्लांट को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलते हैं अब ये तो हमें पता ही है जो सन है वो तो सन से मिलेगी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑलरेडी हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है तो ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू प्लांट लीव्स में आती है और वहाँ से ये यूटिलाइज होती है वाटर की अगर मैं बात करूँ तो जो वाटर होता है वो जाइलम के थ्रू रूट्स में से जो जाइलम है वो वाटर को पत्तियों तक लेकर आता है लीव्स तक लेकर आता है अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ फोटोसिंथिस की तो ये एक लौती ही प्रोसेस है जो एक्चुअली में सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है केमिकल एनर्जी में और ये फर्दर केमिकल एनर्जी से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं तो बेसिकली ग्रीन प्लांट जो है मेन प्रोड्यूसर हैं फूड के हमारे इको में तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटा की अभी भी मैंने कहा था कि जो स्टोमेटा है वो मेन साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो ऑक्सीजन होती है वो लीव से बाहर जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के अंदर आती है तो बेसिकली स्टोमेटा जो है वो छोटी छोटी सी ओपनिंग होती हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं प्लांट लीव्स के ऊपर होती हैं और कुछ एक केसेज में स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती हैं अब जो स्टोमेटा होता है वो दो स्पेशलाइज सेल का बना होता है उनको हम गार्ड सेल बोलते हैं तो गार्ड सेल का जो फंक्शन होता है बेसिकली क्या है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना और ओपनिंग और क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड करती है वाटर कंसनट्रेशन पे तो अगर गार्ड सेल में पानी ज़्यादा होगा तो गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल होती है जो इनसाइड वॉल होती है एक्चुअली वो थिक होती है और जो आउटसाइड वाली वॉल होती है वो थिन होती है इसकी वजह से वो कर्व में जो होता है ना ओपन हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा लेकिन जब उनमें पानी नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है जो गार्ड सेल होते हैं वो श्रंकन शेप में आ जाते हैं जिसको हम फ्लैसिड शेप भी बोलते हैं तो वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है तो बेसिकली जब पानी होगा तो कंडीशन टर्गेट होगी टर्गेट जब भी होगा गार्ड सेल तो स्टोमेटा ओपन होगा और जब भी पानी नहीं होगा जो गार्ड सेल होगा वो फ्लैसिड होगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ये कुछ एक चीजें थी जो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए और इसके बाद हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कवर कर लिया जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम एनिमल न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो में जो फोटोसिंथेसिस को थ्री स्टेप में डिवाइड किया था वो इम्पॉर्टेंट है और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है